हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं 1.4 बियंग क्लब। आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर क्या है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। उन्होंने जैसा वादा किया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। सरकारी कर्मचारी वहाँ के बहुत खुश हैं। वैसे में जानना जरूरी होता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्यों नई पेंशन स्कीम से लोग एतराज़ जताते हैं। पर कुछ लोगों को नई पेंशन स्कीम ज़्यादा अच्छी लगती है, जिनको फाइनेंशियल नॉलेज होती है, कैसे स्टॉक मार्केट, कैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह को मेंटेन करना है। तो जानते हैं, ज़रूरी है और नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की। पहले हम जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को ओल्ड क्यों कहा जाता है। 2004 में एक बदलाव हुआ था पेंशन स्कीम में, तो 2004 के पहले जो पेंशन स्कीम लागू थी उसे बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। 2004 के बाद जो नई पेंशन स्कीम आई उसे बोलते हैं न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत सिंपल थी और बहुत सरल थी, किसी को इसमें कुछ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जिस व्यक्ति की आय इनकम जो है उस दिन जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, उस इनकम का 50% उसको पेंशन के रूप में हर माह मिलता है। ये है ओल्ड पेंशन स्कीम। पर नई पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव किए गए। यहाँ आपका इस बेसिस पर इनकम आपकी पेंशन डिसाइड नहीं होती है कि आपका लास्ट दिन कितनी, रिटायरमेंट के दिन जब रिटायरमेंट होना है उस समय कितनी इनकम थी आपकी, कितनी आपकी इनकम सैलरी आती थी, उस पर डिपेंड नहीं होता है। यहाँ आपका जो हर महीने PF कटता है, आपके जो पैसे कटते हैं उन पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, उसको रेगुलेट करता है PFRDA। पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है अपने इंडिया में, वो रेगुलेट करती है आपके उस पैसे को, इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट में जो रिटर्न आता है उस रिटर्न को आप जिस दिन रिटायरमेंट होता है आपका उस दिन 60% देते हैं एक साथ लमसम अमाउंट में, बचता है 40%। उस 40% को फिर इन्वेस्ट किया जाता है। उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न निकलता है उस रिटर्न को आपको मंथली में पेंशन के रूप में दिया जाता है। हम ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, कितना टैक्स लगता है कितना नहीं, जनरल ओवरव्यू लेंगे। इसके साथ ही इसमें दो मोड होते हैं न्यू पेंशन स्कीम में, एक्टिव और ऑटो। जैसे अगर मुझे फाइनेंशियल नॉलेज है कि मेरा जो पैसा है हर महीने जो कट रहा है मैं उसे किस जगह इन्वेस्ट करूं तो ज़्यादा रिटर्न आएगा, तो ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, इक्विटी हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया। तो अगर मैंने एक्टिव मोड लिया है तो मैं चाहता हूं कि मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, तो मेरी पेंशन साइज ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो मेरी सैलरी ज़्यादा हो सकती है जो पेंशन आएगी। तो पेंशन यहाँ पर नई पेंशन स्कीम में अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारियों की एक साथ होगी, एक जैसी होगी। और ओल्ड पेंशन स्कीम में हर कर्मचारी की एक जैसी होती थी। यहाँ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। अब अगर मुझे नॉलेज नहीं है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में अच्छा मुनाफा हो रहा है तो मेरी पेंशन बढ़ जाएगी, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, इक्विटी में, तो मैं ऑटो मोड लूँगा। ऑटो मोड में सब कुछ रेगुलेट करते हैं PFRDA के जो एम्प्लॉई हैं, वो लोग रेगुलेट करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो रिटर्न निकल के आता है आपको पेंशन के रूप में मिलता है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम में अब जिन लोगों को नॉलेज नहीं है तो उनको तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा, तो वो लोग तो हमेशा यही बोलेंगे ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छी है। पर गवर्नमेंट क्यों न्यू पेंशन स्कीम लेके आई? क्योंकि जहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम में सरकार के ऊपर बर्डन नहीं पड़ रहा है, सरकार को फिक्स अमाउंट नहीं देना है सभी को, है ना, डिपेंड करेगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। सेकेंड चीज़, न्यू पेंशन स्कीम में जब आप इनरोल करते हो तो आपको इकॉनमी में आप इन्वेस्ट करोगे, आपका स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे, आपको फाइनेंशियल नॉलेज होगी, वो देश के लिए सही कहीं ना कहीं अच्छा है, इकॉनमी घूमती है। पर कर्मचारियों के लिए घाटा है, जिनको नॉलेज नहीं है, जो इन्वेस्ट करने में दिमाग नहीं लगाते हैं, उनको घाटा है। इसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम में आपके सरकारी कर्मचारी ही हो सकते हैं, न्यू पेंशन स्कीम में कोई भी व्यक्ति इंडिया का हो सकता है। शर्त है कि वो 18 से 65 साल की उम्र का हो और वो इनरोल कर सकता है इसमें और वो इसको फ़ायदा भी उठा सकता है। इतना क्या वो अपन को डिस्कस नहीं करना है, टेक्निकल डिटेल्स अपन को नहीं जाननी है। इसके अलावा आज कर्मचारी खुशी मना रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। सेंटर ने अपना न्यू पेंशन स्कीम को जैसा है वैसा ही रखा है, उन्होंने बोला है कि हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। पर राज्य सरकार चाहे तो वो राज्य कर्मचारियों के लिए उसको चेंज कर सकती है। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस आ रही है वो अपने वादे कर रही है, वो चेंज करती जा रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम में लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कर्मचारियों को, क्योंकि उनको दिमाग नहीं लगाना है। पर यहाँ न्यू पेंशन स्कीम में कहीं ना कहीं इकॉनमी को फ़ायदा होता है। इकॉनमी को फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट होता है और सरकार के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। बर्डन नहीं पड़ता तो डेफिसिट जो होता है वो डेफिसिट नहीं हो पाता है,
और रेवेन्यू जनरेट होता है कहीं ना कहीं, इकॉनमी भी घूमती है, स्टॉक मार्केट वगैरह में आपका, कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करोगे या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे, देश के विकास में वो पैसा भी लगेगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।